23 feet and 50 feet 0 inch. Okay, 23 into 50 is equal to 23 into 50 is equal to 1150 square feet house design. तो हम इसको कैसे स्टार्ट किया है, देखिए यहाँ पर लिखा है डोर, इसका मतलब यहाँ पर डोर डायरेक्शन कहाँ पर ओपन करना है हमें डोर का, तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाने वाले हैं इसके ऊपर इधर, और डोर का सिंबल यहाँ पर हमने जस्ट ऐसे दिखाएंगे, डोर हमने जो लिखा है यहाँ पर हमें डोर ऐसे ओपन करना है डायरेक्शन वाइज, तो यहाँ पर हमें गेट रखना है क्लोजेबल गेट, इसके बाद इधर हमें बाहर की तरफ ऐसे डोर को ओपन करना है, ठीक है, इधर से स्टेयर आप करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो आउटसाइड इनसाइड वॉल यहाँ पर हम रेड कलर से ऐसे हाईलाइट करने वाला है, देखे ऐसे इंटरनल आउटर पार्टीशन वॉल हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर आपको 5 इंच का वॉल यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। पीछे में हमने 2 रूम यहाँ पर क्रिएट किया है और फ्रंट में 1 रूम यहाँ पर क्रिएट किया है, तो यहाँ पर इंटरनल आउटर वॉल हमने 5 इंच वॉल क्रिएट किया है, और इसका जो बाकी जो वॉल है यहाँ पर इधर भी 5 इंच का वॉल क्रिएट किया है। तो यहाँ पर 3 बेडरूम के साथ डाइनिंग ड्राइंग किचन, ओके, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट और अटैच टॉयलेट का ऑप्शन, टॉयलेट एंड बाथ का ऑप्शन यहाँ पर हमने ड्राइंग के अंदर क्रिएट किया है। अगर आपको ड्राइंग के अंदर टॉयलेट और बाथ यहाँ पर चेंज करना है तो पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, या इसको मॉडिफाई करके आप इसको भी यहाँ पर मॉडिफाई करके घर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक पार्टीशन वाला ऐसे आएगा, ओके, तो इसको हमने कर दिया है इधर पार्टीशन वॉल। इसके बाद हम डिटेल्स यहाँ पर भर देंगे, तो डिटेल्स के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बेडरूम इधर बेडरूम टेन फीट 10 इंच 10 फीट 10 इंच 12 फीट 12 फीट। इसके अंदर देखिए 2 बेड हमने यहाँ पर ड्राइंग के अंदर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओपन किचन, आप इसको क्लोज भी कर सकते इधर, तो यहाँ पर कितना है मेज़रमेंट 6 फीट 0 इंच 7 फीट 8 इंच, ओके। यहाँ पर टॉयलेट बाथ प्लस लैट्रिन 4 फीट 6 इंच, ओके, और इधर 6 फीट नेक्स्ट इधर 4 फीट 5 इंच का यहाँ पर टॉयलेट एरिया, यहाँ पर ओपन स्पेस, तो यहाँ पर ओपन स्पेस रहेगा कितना डिस्टेंस है, तो देखिए 8 फीट 4 इंच, ओके, इधर 12 फीट 6 इंच। यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है, यहाँ पर ड्राइंग, यहाँ पर सीटिंग एरिया, यहाँ पर डोर, यहाँ पर बेडरूम,
तो इधर 11 फीट 8 इंच और इधर टोटल डिस्टेंस 19 फीट 11 इंच। यहाँ पर सीटिंग एरिया 9 फीट 9 इंच और इधर 10 फीट 0 इंच, ओके 10 फीट। इसके बाद यहाँ पर वारंदा VRANDAH, बरंदा यहाँ पर 4 फीट वाइड, ओके 4 फीट 5 इंच वाइड। यहाँ पर बेडरूम 12 फीट और इधर 12 फीट, 12 फीट बाय 12 फीट। यहाँ पर 3 फीट और इधर 7 फीट। यहाँ पर लैंडिंग हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर 3 फीट वाइड, यहाँ पर 3 फीट वाइड। सेंटर में आपको 1 फीट का गैप मिलेगा, तो यहाँ पर 7 फीट 6 इंच ऐसे गैप मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम कॉलम ऐड करने वाले हैं, 1 2 3, ओके इधर भी एक वॉल आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 नंबर्स यहाँ पर कॉलम। आउटसाइड वॉल 5 इंच वॉल, इनसाइड में वॉल यहाँ पर 5 इंच मिलेगा। कॉलम साइज यहाँ पर 10 बाई 12 इंच का कॉलम। टोटल बिल्डिंग कॉस्टिंग आएगा यहाँ पर, ओके यहाँ पर जो कॉस्टिंग होगा टोटल बिल्डिंग 18 लाख रुपीस, ओके। तो प्लान डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो चलते हम नेक्स्ट वीडियो डिज़ाइन पर।